गुड मॉर्निंग क्लास गर्ल्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र। ठीक है, प्राचीन काल के भारत के शिक्षा के केंद्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। तो देखो, अगर हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज में आरंभ से लेकर ही शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा है। ये कहा गया है शिक्षा के बारे में कि व्यक्ति का आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। व्यक्ति का आध्यात्मिक और जो भौतिक विकास है या उत्कर्ष है, वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति का, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का एक तो जो व्यक्तित्व है वो क्या है, संकुचित हो जाता है और उसका जो जीवन है वो ओझिल हो जाता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। और क्या कहा गया है कि ज्ञान, ज्ञान मतलब शिक्षा, शिक्षा से हमें जो ज्ञान मिलता है कि ज्ञान के आलोक से ही मनुष्य का जीवन आलोकित या प्रकाशमान होता है। ज्ञान के प्रकाश से ही व्यक्ति का जीवन प्रकाशित होता है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, ज्ञान के आलोक से ही व्यक्ति का जीवन आलोकित होता है। ठीक है, और वैसे भी हमारे धर्म में क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए व्यक्ति जीवन का जो, भारतीय समाज में व्यक्ति जीवन का जो उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो बिना ज्ञान के संभव बिल्कदापि नहीं है। इसीलिए भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो प्राचीन काल में तो क्या होता था कि जो बालक होता था गुरु के आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करता था, गुरुकुल थे। ठीक है, तो क्या थी शिक्षा पद्धति, क्या थे शिक्षा के केंद्र, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत के जो शिक्षा के केंद्र थे उनको दो भागों में बांटा गया था। एक तो बौद्धों के शिक्षा केंद्र, दूसरे थे हिंदुओं के शिक्षा के केंद्र। पहला है बौद्ध शिक्षा केंद्र और दूसरा है हिंदुओं के शिक्षा के केंद्र। शिक्षा के केंद्रों को दो भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले हम बौद्धों के शिक्षा के केंद्रों की बात करेंगे। तो बौद्धों का जो शिक्षा के केंद्र थे उसमें जो सबसे पहला ख्याति प्राप्त नाम आता है वो आता है नालंदा विश्वविद्यालय। देखो, आज हम इसी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये मगध, जिसको वर्तमान में हम बिहार कहते हैं, तो मगध में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का, बौद्धों की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। मगध, जिसको वर्तमान में हम बिहार कहते हैं, तो ये प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय मगध में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इस शिक्षा केंद्र के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें चीनी यात्री जो भारत आए थे, चीनी यात्री हैं सांग हायान है, गजीत सिंह है, जो चीनी यात्री भारत आए थे वो इस विश्वविद्यालय में आए, विश्वविद्यालय इसी विश्वविद्यालय में ज्ञान ग्रहण किया और वापिस लौटकर अपने यात्रा वृत्तांत में, जो उन्होंने यात्रा की यहाँ रहे या कुछ जो भी देखा उनका वर्णन वहां जाके किताब में किया, उसी से हमें इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी मिलती है। तो देखो, आप लोगों को मैंने गुप्त शासन के बारे में बताया था कि गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसका बेटा समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो चीनी यात्रियों के विवेचन से पता चलता है कि
सर्वप्रथम कुमार गुप्त वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमार जो 1414 में गद्दी पर बैठा था उसके बिल्सर स्तंभ लेख से इसके शासन की तिथि के बारे में जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम कुमार गुप्त वंश का जो राजा था कुमार गुप्त ने ही धन देकर या बोधश्रम को दान दिया और उसी दान से ही यहाँ पर शिक्षा के केंद्र की स्थापना हुई। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बोध संघ को दान दिया और उसी दान से यहाँ पर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक महाविद्यालय जिसका नाम नालंदा था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई तो धीरे धीरे इसकी ख्याति क्या है, ख्याति मतलब प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लग गई। इसकी ख्याति क्या है, बढ़ने लग गई। आगे के जो गुप्त राजा है, स्कंद गुप्त है, नरसिंह गुप्त है, पलादित्य गुप्त है, इन लोगों ने जितने भी राजा थे इन्होंने इस बोध संघ को या इस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाए रखने के लिए दान दिया और इसी दान से ही नालंदा विश्वविद्यालय में कई इमारतें बनाई गई। जो आचार्य थे, आचार्य थे मतलब जो शिक्षक थे, ठीक है, उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए, बच्चे के लिए बहुत सारा धन दिया गया। अतः गुप्त शासकों के संरक्षण में ये विश्वविद्यालय फलने और फूलने लग गया और इसकी ख्याति न केवल भारत देश में अपितु विदेशों में भी फैल गई और विदेशों से भी यहाँ छात्र या विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आने लग गए। चीन से, जैसे कि हम मानते हैं मिनसांग है, फायान है, ये कौन से आए थे, चीन से आए थे। मिनसांग ने इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया था, 16 वर्ष तक वो भारत में ही रहा था। फायान 14 वर्ष तक भारत में रहा था। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में इन्होंने लिखा। उसी यात्रा वृत्तांत से ही हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आता है कि अगर इस विश्वविद्यालय में किसी को प्रवेश लेना होता था तो कैसे लिया जाता था। तो देखो, प्रवेश के लिए कई नियम बने हुए थे। ठीक है, जो व्यक्ति प्रवेश लेने, जो विद्यार्थी प्रवेश लेने आता था उसको पहले एक परीक्षा देनी होती थी। ये परीक्षा क्या होती थी, बहुत ही ज्यादा कठिन होती थी। द्वार पर एक पंडित होता था, एक विद्वान होता था, जो प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी की परीक्षा लेता था। उस विद्वान को जो विद्यार्थी पराजित कर देता था वही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता था। प्रवेश के नियम क्या थे, प्रवेश से पहले विद्यार्थी को एक परीक्षा देनी होती थी। क्या देनी होती थी, एक परीक्षा देनी होती थी। इस परीक्षा के नियम क्या थे, बड़े ही कठिन थे। व्यक्ति को द्वार पर बैठे विद्वान को पराजित करके अंदर महाविद्यालय में प्रवेश लेना होता था। ठीक है, और यहाँ पर प्रवेश लेने के बाद अंदर जाके बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बहुत सारे विद्यार्थी क्या हो जाते थे, अंदर जाकर पराजित हो जाते थे और जो विद्यार्थी अंदर जाकर शिक्षा प्राप्त कर लेता था, कड़ी मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करके जो विद्यार्थी यहाँ से सफल होकर निकलता था उस व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती थी। ठीक है, तो ये प्रवेश का एक नियम था। अब अगर आगे बात करते हैं हम इस विश्वविद्यालय की, तो इस विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा छात्रों की सुविधा के लिए एक बहुत बड़ा लिया जाता है। छोटे क्वेश्चन आपके कई हो जाएंगे कि सर्वप्रथम किस राजा ने या किस राजा ने दान देकर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य कराया था, तो कुमार गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। इस विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय था उसका नाम क्या था, धर्म यज्ञ पुस्तकालय। ठीक है, धर्म यज्ञ पुस्तकालय। ठीक है, तो अगर हम इस पुस्तकालय की बात करते हैं तो इस
पुस्तकालय की तीन बड़ी बड़ी इमारतें थी। रंजक, ये तीन इमारतों को बनाकर एक पुस्तकालय बनाया गया था, एक बड़े पुस्तकालय का निर्माण किया गया था और यहाँ पर बहुत सारे विषयों की पुस्तकें उपलब्ध थी और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी अपने ज्ञान को और ज्यादा प्रकाशित करते थे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ के व्याख्यान की। व्याख्यान में लेक्चर जहाँ पढ़ाया जाता, में अध्यापन के लिए बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े कमरों में अध्यापन का कार्य करवाया जाता था। विद्वानों का ये मानना है कि यहाँ पर सभी विषयों को मिलाकर, यहाँ पर बहुत सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर सभी विषयों को मिलाकर एक दिन में प्रतिदिन लगभग 100 व्याख्यान या 100 लेक्चर होते थे। यहाँ पर प्रतिदिन 100 होते थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, मैं आपको बता चुकी हूँ, हीनयान और महायान। यहाँ पर 100 व्याख्यान प्रतिदिन होते थे और बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा, बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उसकी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। ठीक है, और ये जो विश्वविद्यालय पाली भाषा की शिक्षा दी जाती थी, पाली भाषा एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश की। अगर हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी तक क्या हो गया, ये विश्वविद्यालय फूलता रहा, ऊंचाई की बुलंदियों को क्या हो गया, छूता रहा। और 11वीं शताब्दी में क्या हो गया, बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होने से क्या हुआ, नालंदा की जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई। और अंत में जब मोहम्मद बिन इख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण कर दिया किया तो इस विश्वविद्यालय का पूरी तरह से क्या हो गया, विनाश हो गया। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था। आगे हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू क्लास।